2019 में जो जनादेश मिला था, उस जनादेश को किस प्रकार से एनक्रोच और डिस्टेबलाइज किया जाए। ईडी का एक नया स्वरूप सामने आया, गवर्नेंस एक सुवर्जन डेमोक्रेटिक स्टेट गवर्नमेंट को, उसके गवर्नेंस को किस प्रकार इंक्रोच किया जाए, डिस्टेबलाइज किया जाए, उसकी एक पूरी परिकल्पना 2020 में रची। अनफॉर्चुनेटली 2020 और 21 पैंडेमिक का साल रहा, लोग सांसों के लिए तरसते रहे, केंद्र सरकार ने लोगों की सांसें छीनने के साथ साथ रोजगार भी छीना, व्यवसाय भी छीना, और अब जब उन्हें फुर्सत मिल गया पूरे राष्ट्रीय स्तर पर तबाही मचाने के बाद, तो इस राज्य सरकार को भी किस प्रकार डिस्टेबलाइज किया जाए, गवर्नेंस को डिरेल किया जाए, गवर्नेंस को डिस्टर्ब किया जाए, उसके लिए एक एनक्रोचमेंट मैप तैयार किया गया। हमें समझ में नहीं आता कि मनरेगा का घोटाले की जांच जो सीबीआई कर रही थी उसको ईडी ने टेक ऑफ किया और वो जांच ईडी का जो गठन का उद्देश्य था, जो इकोनॉमिक ऑफेंस है, वो नहीं करके माइनिंग लिस्ट पे आ गया। अजीब विडंबना, इसकी स्क्रिप्ट इस प्रकार से लिखी गई कि येन केन प्रकारन जब राजनीतिक रूप से परास्त हो जाए आदमी, तो मोहरा बनाया गया राष्ट्रपति चुनाव में एक आदिवासी चेहरे का, और बलि लेने का मन बनाया गया एक आदिवासी मुख्यमंत्री का। उसके पीछे तमाम लोग लगाए गए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक कंप्लेन किया गया, माननीय राज्यपाल जी ने चुनाव आयोग से उसके पर मंतव्य मांगा। आज लगभग हमको लगता है 3 महीने बीत गए, उस पर उनका कोई कमेंट तक नहीं आया। रांची से दूर और नागपुर से नजदीक रायपुर में बैठकर माननीय राज्यपाल जी ने कहा कि हम सेकेंड ओपिनियन दे रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय, क्या हम लोग इतने मूर्ख व्यक्ति हैं? क्या हम नहीं जानते कि आपको चुनाव आयोग से जो आया है रिकमेंडेशन, उस पर सेकेंड ओपिनियन किसका होगा? क्या कोई डॉक्टर या कोई वकील का कोई जब रिकमेंडेशन आता है तो क्या फिर से हम उसी को कहते हैं कि सेकेंड ओपिनियन दो?
यदि जो रिकमेंडेशन किया है उसी को बोल रहे सेकंड रिकमेंडेशन दो। उसके पहले क्या चला नेशनल मीडिया में, पूरा नैरेटिव सेट किया गया कि मुख्यमंत्री बर्खास्त किए जा सकते हैं, उनकी सदस्यता जा सकती है, उनको डिबार किया जा सकता है। अब उसी काम करने के लिए राज्यपाल महोदय ने सेकेंड ओपिनियन की बात कही। पहला चुनाव आयोग अपनी जो पहला फाइंडिंग है उसको बदल सकता है, या क्या राज्यपाल चुनाव आयोग को बाईपास करके कहां से सेकेंड ओपिनियन लेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी का दीनदयाल उपाध्याय में जो स्थित मुख्यालय है वहां भेजा गया सेकेंड ओपिनियन के लिए? ये लोकतांत्रिक सरकार है और राज्यपाल महोदय का काम है संविधान में उनको जो स्थान दिया गया है वो है जो आईन है राज्यों को जो अधिकार प्राप्त है उसको संरक्षण देना। एक राज्यपाल महोदय बोलते हैं एकाद एटम बम फूटेगा, इसका अभिप्राय क्या है? वो भी राजनीतिक व्यक्ति रहे, हम भी राजनीति कर रहे हैं, उनको बताना पड़ेगा ये एटम बम क्या है। क्या लोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त करना एटम बम है? क्या आप उसके लिए यहां पर भेजे गए हैं? क्या उसी लिए यहां पर ईडी का दफ्तर खोला गया? हर तरफ से जब लोग थक गए, सरकार गांव गांव तक पहुंचने लगी, आज भी माननीय मुख्यमंत्री यहां से लगभग 500 किलोमीटर दूर साहेबगंज में लोगों से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, नई योजनाएं ला रहे हैं, उनके विधायक मंच से और वो भी वरिष्ठ विधायक, दो सरकार के कामकाज की तारीफ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का साहेबगंज जिले का विधायक वो माननीय मुख्यमंत्री का तारीफ कर रहा है और यहां पर खोचर करने के लिए एक एक झारखंडी, 3.5 करोड़ झारखंडी अपने नेता से संवाद स्थापित कर रहा है, अपने मुखिया से संवाद स्थापित कर रहा है, उसमें इन लोगों को तकलीफ हो रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।